मर गए क्या करेंगे, ये भूखे मर जाएंगे, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, समझे ना, ये भूखे मर जाएंगे हम लोग, समझे ना। पता है चाचा, ये आप इस जगह को देखिए, जो बुलडोजर चलाया गया पीछे आप सीन देख सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ दुकानें होंगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि वार्निंग नहीं मिली थी, अनाउंसमेंट किया लेकिन वो फुटपाथ को अनाउंसमेंट किया, ये हमारा सेट तोड़ने के लिए, अगर हमको वार्निंग देता है कि भाई इसको हटाओ तो मैं हटाते इसको, अभी बिना बोले हुए अंदाजी बुलडोजर चला दिया, अब क्या करें, आधा कर दिया, गुंडा कर दिया, अनाउंसमेंट किया प्रशासन कि भाई फुटपाथ वाला हटाओ, नगर निगम इसके पास नहीं था, पाँच मिनट में तुरंत आप कैसे हटा पाइएगा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट, और यहाँ पर देखिए अतिक्रमण, पूरे रांची भर में जो अतिक्रमण को हटाने का कार्यक्रम चल रहा है प्रशासन विभाग द्वारा, आप उसका यहाँ पर एक देख सकते हैं दृश्य। हमारे साथ में सर हैं, ये बताएंगे कि क्या लिमिटेशन है और इसका क्या मकसद है, अचानक से रांची में अतिक्रमण को हटाने को लेकर के जैसे भी दौड़ा दिया गया सड़क पर, उसके पीछे का रीजन क्या है सर, बताएं। अभी देखिए आप लोग, मेन मुद्दा है G20 हमारे अभी रांची शहर में हो रही है, इसके कारण अभी बाहर से लोग आएंगे, उसको झोपड़ी या अलग से कुछ स्ट्रक्चर लगा के लोग रखे हैं, वो अभी दिखाई ना दे और उसी को हटाने के लिए अभी मुहिम चल रहा है, क्योंकि अभी ऐसा रहेगा तो सरकार इसके ऊपर कोई भी सुंदरीकरण नहीं कर सकता है। जैसे सर सरकार का सवाल नहीं है, G20 ग्लोबल समिट है, हाँ। उसमें कई देश आ रहे हैं, हाँ। रांची आएंगे तो एक तो पहला चीज कि रांची का ओरिजिनल चीज को बनाया जाएगा, जो ओरिजिनल है वो नहीं दिखेगा, इसको दिखाया जाने के लिए ये शायद इस तरह का कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अभी आने वाले लोगों को लगे कि ये बिल्कुल अच्छा है, जो नेचुरली है ऐसा लगे, अलग से कोई नया मोडिफिकेशन ना हो, इसके वजह से ये किया जा रहा है। अभी लगातार आपको मेन रोड, खास करके मेन रोड के ऊपर लगातार फोकस है, यहाँ से लेकर के अब अरगोड़ा चौक होते हुए एयरपोर्ट, और यहाँ से लेकर के आपको चांदनी चौक तक अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और फिलहाल अभी लगातार चलेगी। अच्छा सर एक सवाल है कि जैसे यहाँ पर काफी लोग जो झुग्गी झोपड़ी लगा करके, स्टॉल लगा करके, उनका एक रोजगार का सवाल बनता है, वो शौक से यहाँ नहीं लगे, एक सवाल जेन्युइन सवाल है, रोजगार का सवाल है, कोई नाई है, कोई चौमिन चाट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उनको कुछ दिनों के लिए समस्या हो जाएगी, तो जहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी होती है, जहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये सवाल बनता है कि वो इतने दिनों में क्या करेंगे, अपने पेट पर सवाल है ये। अभी ये उनका कोई रोजगार बंद नहीं हो रहा है, उनको मेन रोड को छोड़कर गली कुची जब है, जहाँ पर कोई फोकस ना हो, उस एरिया में काम करने के लिए उनको बोला जा रहा है, उनका काम धंधा बंद नहीं किया जा रहा है, मेन रोड, अभी मेन मकसद है कि मेन रोड को क्लियर रखे, ताकि आने वाले लोगों को ना लगे कि हमारे रोड के किनारे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी हैं। अभी वो काम करें लेकिन अंदर रह के करें, जो गलियों में करें, क्योंकि ये ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, एक महीना के अंदर अभी चलेगी, उसके बाद जैसे सरकार का निर्देश होगा उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने ये देखा, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे और यहाँ पे इनके अगुवाई में तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर है, बुलडोजर के सहारे तमाम जो घर हैं, यहाँ सर सिर्फ दुकानों की बात नहीं है, आप इस चीज को समझिए, सिर्फ दुकान रहता, झुग्गी झोपड़ी रहता, स्टॉल रहता, आउटलेट कोई चीज है, सिर्फ उसी को नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि बुलडोजर से अपने घर के आगे किया गया शेड, जो बारिश के टाइम में अगर आप निकलेंगे तो घर के आगे शेड करना बहुत जरूरी होता है, रोड साइड से काफी ज्यादा डिस्टेंस के बावजूद उसको भी तोड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर भैया ग्लोबल समिट होने जा रहा है रांची में, जहाँ पर 20 अन्य देश के प्रतिनिधि आएंगे और जो वैश्विक मुद्दे पर बात करेंगे उसको लेकर के प्रदर्शन, शो ऑफ के चलते गवर्नमेंट का ये निर्देश है कि अतिक्रमण को हटाओ। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो इस विषय में कैसा महसूस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये डर है कि ये जो गुमटी है उसको एक कम स्पेस में घुसाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि प्रशासन इसको क्षतिग्रस्त ना कर दे। एक सेकंड हम सवाल, देखिए यहाँ पे लोग हैं, हम लोग इसको अतिक्रमण नहीं, मेरा बात सुनिए, इसलिए बोल रहा है, हम पुलिस से सवाल किए, पुलिस है कि अतिक्रमण लगा हुआ है बोल के तोड़ रहा है, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं है, पुलिस के पास भी बोले, क्योंकि किसी का शेड हटा देना ये अतिक्रमण नहीं है, घर के अतिक्रमण नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आपका क्या नाम है चाचा, नाम क्या है? हमारा नाम क्या रहेगा, सरवण।
हम लोग मीडिया से हड़बड़ाइए नहीं, पुलिस नहीं है यहाँ पे, पब्लिक देखेगी कि पुलिस या यहाँ की गवर्नमेंट। ये आपका गुमटी था? हाँ। किस चीज का गुमटी था चाचा? पान दुकान का। हेलो, अब पान इसको अंदर करवा दिया है तो बोले नहीं कितना दिन के लिए ना, परमानेंटली? परमानेंटली बोले नहीं, जैसे उनका कहना था कि G20 का शिखर सम्मेलन रांची में होना है जिसमें 20 अन्य देश के लोग आएंगे, तो यहाँ पर सुंदर दिखेगा रांची, एक शो ऑफ, दिखावा है ना। बहाना से, उसके बहाना से गरीब को कुचला जा रहा है, G20 का नाम से परेशान किया जा रहा है। आसान, ये लोग सिर्फ गरीब के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, पैसा गुंडागर्दी, पावरफुल का बच गया, जो कमजोर है उसका तबाह हो गया, पावरफुल फोन से काम कर लिया, यही रूट में देखा जा रहा है। अगर लीगली काम होता तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगला का भी तो टाइम लेता है, बगल में क्यों बच गया, अगला का क्यों बच गया। कहने का मतलब जो गरीब है जिसका कम पावर है उसको हटा दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है एकदम, टाइम भी नहीं दे रहा, 5 मिनट का मोहलत नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो उनका कहना था कि हम अल्टीमेटम दे चुके हैं पहले भी, नहीं एकदम गलत है, गलत पहले नहीं दिया, क्या पहले नहीं दिया। मेरा नाम हुआ मोहम्मद फहीम, गरीबों लोग के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए कि किसी को नोटिस भी नहीं मिला कि तोड़ेंगे हम लोग, पुलिस तो कह रहे कि नोटिस मिली नहीं, किसी को नहीं मिला है, ये सब फ्रॉड है। और जितना भी कोई भी गरीब गुरबा है वो सबको सारा डायरेक्ट तोड़ रहा, समझे, G20 का नाम से कि सुंदर कर रहे हैं, सुंदर का जगह। देखिए भैया, ये आम अतिक्रमण का, ये अतिक्रमण हटाने का नहीं है, ये G20 के चपेट में आप आइए दिखाते हैं। ये देखिए, एक तरफ से पुलिस बोल रही थी कि हम यहाँ पे माइक से चिल्ला कर लोगों को बोले हैं कि आप ये चीजों को हटा लें, अब क्या कुछ सच्चाई है इसके बीच में, ये जानने के लिए और तहकीकात की जरूरत है। खैर बने रहे कि मेन रोड के दोनों तरफ जो अतिक्रमण लग रहा है पुलिस प्रशासन विभाग को, किसके दृष्टिकोण से, G20 के दृष्टिकोण से उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये है कि भैया हम G20 के लिए शो ऑफ कितना दिन तक कर सकते हैं, धरातल पर जो विकास है वो उसका लेवल क्या है, ये आप देख सकते हैं, आप कमेंट करें। बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, रवि भास्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।